उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नव्या युगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची. भारतीय सैन्य दलाला मदत व्हावी, तरुणांना देशसेवेची जाणीव होऊन त्यांना शिस्त लागावी, तसेच बेरोजगार तरुणांना रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी अग्निवीर सैनिकांची भरती झाली होती. भारतीय सैन्य दलात काही महिन्यांपूर्वी सर्व चाचण्यांमधून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण होऊन त्यांची अग्निवीर म्हणून निवड झाली आहे. त्यांचे पुढील सैन्य पूर्व प्रशिक्षण हे नाशिकच्या देवळाली आर्टिलरी सेंटर या ठिकाणी पार पडत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात अग्निवीरांचा जोश आणि उत्साह बघावयास मिळतोय. भारतीय सैन्य दलातील सर्वात मोठे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून देवळाली आर्टिलरी प्रशिक्षण केंद्राची ओळख आहे. या ठिकाणी या अग्निवीरांची पहिलीच बॅच असून ते अतिशय जोमाने आणि उत्साहात प्रशिक्षण पूर्ण करत आहेत. देशासाठी काहीतरी करण्याची नवी उमेद जिद्द त्यांच्यामध्ये दिसून येते. तसेच पुढील वर्षी या प्रशिक्षण केंद्रात 5,500 जास्त उमेदवार हे प्रशिक्षण घेऊ शकतील असा विश्वास आर्मी ऑफिसर यांनी व्यक्त केलाय. कि आप सब यहां पे आए हैं और देश के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर में आप देख रहे हैं कि किस तरह किस तादाद में अग्निवीर आए हैं और ये पहला बैच है अग्निवीर का. अगला बैच जब आ जाएगा यहां पे 5,500 से ज्यादा अग्निवीर का ट्रेनिंग होगा. पूरे जोश में हैं और ये जो आए हुए हैं काफ़ी क्वालिफाइड हैं और पूरे जोश के साथ हैं कि देश की सेवा में वो कुछ करने वाले हैं. आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये पता लगेगा कि किस तरह अग्निवीर मोटिवेटेड और पूरे जोश में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और नेशन बिल्डिंग के लिए उनका योगदान जो भी होगा वो आप सब देखेंगे. इससे अपने देश की कितनी ताकत बढ़ेगी ऐसा आपको लगता है? जिस तरह पूरे नेशन के लिए नेशन बिल्डिंग के काम में सभी लगे हुए हैं तो देश का जो यूथ है वो जब ज्वाइन करेंगे फौज को तो पूरे मोटिवेटेड होकर ज्वाइन करेंगे. अग्निवीर जो नाम दिया हुआ है उसकी वजह से ही अंदर एक जोश सा आ जाता है. तो पहले एक रिक्रूट जब आता था यहाँ पे रिक्रूट बनकर उसे हम सैनिक बनाते थे. अभी भी ये सैनिक ही बन रहे हैं लेकिन जो अग्निवीर नाम इनको मिला हुआ है उससे उनके अंदर एक अलग ही एक जोश आ रहा है. वो अलग ही एक है. और जब ये यहाँ से निकलकर अपने अपने यूनिट्स में जाएंगे तो अपनी तरफ से जो भी वो कर सकते हैं यूनिट के लिए जिसके लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है वो करेंगे. उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स साठी सचिन आव्हाड नाशिक.